बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना सीखेंगे। एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। ये एक्सेल ओपन हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कोई भी लिस्ट टाइप कर लेते हैं। जैसे मैंने लिख लिया पाकिस्तान, के नीचे लिख लेते हैं लाहौर, इस्लामाबाद, उसके नीचे लिख लेते हैं हम कराची, उसके नीचे हम लिख लेते हैं मुल्तान, और एक और एरिया लिख लेते हैं रावलपिंडी। ये हमने एक लिस्ट टाइप ही कर ली, ठीक है। अब उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि एक ये मुकम्मल लिस्ट में आए, ठीक है। उसको हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग जाएंगे डेटा, ठीक है। डेटा पे, डेटा से ये डेटा टूल्स, डेटा टूल से ये डेटा वैलिडेशन, इस पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। ये बार ओपन होगी। इसके बाद ये सेटिंग, इनपुट मैसेज, एरर अलर्ट, ये डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूज होते हैं, ठीक है। वैलिडेशन क्राइटेरिया में ये अलाउ आ जाता है, ठीक है। इसको मैंने ओपन किया ये वाली लिस्ट से। यहाँ पे एनी वैल्यू, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ, कस्टम्स, ठीक है। ये सब डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूज होते हैं। हम लोगों ने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, उसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे लिस्ट, ठीक है। उसके बाद ये देखें नीचे ये आ गया ऑप्शन, ये सोर्स। सोर्स में हम लोगों ने वो सोर्स लिखना है जिसकी हम लोग लिस्ट बनाना चाह रहे हैं। ये देखें, जैसे मैंने ये किया, ठीक है। ये देखें, ये वाला सिलेक्ट किया, लेकिन इसमें तो कोई वैल्यू नहीं, इस वजह से ये ऐसे कह रहा है, ठीक है। इसके लिए हम पहले इसको रिमूव करेंगे, ठीक है। ये मैंने इस पर सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाएंगे डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन से यहाँ पे लिस्ट, लिस्ट से ये सोर्स, ठीक है। सॉरी, ये सोर्स हम लोगों ने सारा क्लिक कर लिया, ये यहाँ तक, ठीक है। ये सारी हम लोग इसकी लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, इस वजह से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैंने कर दिया ओके, ठीक है। ये देखें, ये लिस्ट बन गई है। यहाँ पे ये देखें, ये एरो, यहाँ पे मैं देखें पाकिस्तान करती हूँ, पाकिस्तान ही रहेगा। यहाँ से मैंने लाहौर किया, ऊपर लाहौर आ गया। यहाँ पे मैंने इस्लामाबाद किया, इस्लामाबाद आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने कराची किया, ये देखें ऊपर कराची आ गया। यहाँ से पकड़ के इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, जैसे सारी जगह कराची आ गया। और ये देखें, जिस पर भी हम क्लिक करेंगे वहाँ पर लिस्ट होगी। ये देखें, इस पर मैंने क्लिक किया, ये लिस्ट आ गया। इस पर मैंने क्लिक किया, ये देखें लिस्ट आ गया। इस पर मैंने क्लिक किया, लिस्ट आ गई, इसी तरह, ठीक है। उसके लिए अगर हम लोग चाहते हैं कि टेबल की फॉर्म में हम लोग बना लें इसको टेबल की तरह, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे काउंटिंग पहले लिख लेते हैं, ये वन मैंने लिखा, ठीक है। इसके लिए 10 तक काउंटिंग लिखनी है, तो उसके लिए हम करेंगे यहाँ से इसको पकड़ के क्लिक किया और कंट्रोल साथ क्लिक ड्रैग, यहाँ तक 10 नंबर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे, सॉरी ये वाला रहने देते हैं ऑप्शन, यहाँ पे कर लेते हैं 2, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई के लिए भी इस तरह कर लेते हैं ये, ठीक है। उसके बाद हम चाहते हैं कि ये 1 2 3 जो है इसकी लिस्ट बनाएं, तो इसकी लिस्ट बनाने के लिए भी वही सेम प्रोसीजर है। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ से फिर डेटा, डेटा से डेटा वैलिडेशन, यहाँ से मैंने इस पर क्लिक किया, डेटा वैलिडेशन ओपन कर ली, ठीक है। यहाँ से फिर वैसे ही लिस्ट, ये लिस्ट पे आ गए, ठीक है। लिस्ट के बाद यहाँ पे मैंने सोर्स पे क्लिक किया,
सोर्स पे क्लिक करने के बाद मैंने ये सारा सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और नीचे यहाँ मैंने ओके कर दिया, ये देखें यहाँ पे लिस्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। ये देखें जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 1, तो ये देखें 1 आ गया, ये देखें 2 किया है 2 आ गया, 3 किया है 4 किया, इसी तरह ये देखें, ठीक है। आज का हमारा लेसन यहीं तक का था। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू।